वहीं रांची से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर झारखंड समेत 5 राज्यों के डीजीपी की बैठक आज होगी। नक्सलियों और अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, कार्रवाई को लेकर एक्शन प्लान तैयार है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी इसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रांची से, जहां किस तरह से नक्सलवाद को कंट्रोल किया जाए इसको लेकर डीजीपी की आज बड़ी बैठक होनी है। झारखंड समेत 5 राज्यों के डीजीपी इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सलियों और अपराधियों पर शिकंजा कैसे कसा जाए, इसके लिए क्या अभियान चलाया जाए, इसको लेकर भी पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। ब्लूप्रिंट तैयार होकर सामने आएगा और कार्रवाई को लेकर एक्शन प्लान ऐसा तैयार किया जाएगा जिसके जरिए नक्सलियों और अपराधियों को बिल्कुल भी ना बख्शा जाए। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ ही झारखंड के जितने भी डीजीपी हैं वो सभी शामिल होंगे। तो आज 5 राज्यों के डीजीपी एक साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि किस तरह से नक्सलवाद और अपराधियों को खत्म किया जाए और इन पर शिकंजा कसा जाए। जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, झारखंड में अपराध बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ी बैठक होगी जिसमें आज 5 अलग अलग राज्यों के डीजीपी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रांची से, जहां झारखंड समेत 5 राज्यों के डीजीपी की बैठक आज होगी। नक्सलियों और अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, कार्रवाई को लेकर एक्शन प्लान तैयार होगा। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्लान तैयार किया जाएगा किस तरह से अपराधियों को कंट्रोल किया जाए और किस तरह से लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए हैं। सूरज, आज 5 अलग अलग राज्यों के डीजीपी एक साथ मिलकर बैठक करेंगे, बैठक की क्या खासियत रहने वाली है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, आज की ये डीजीपीओ की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये बैठक बिहार के डीजीपी के अध्यक्षता में होगी। इसमें झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा के साथ 4 राज्यों के डीजीपी बैठेंगे और बैठक के दौरान सबसे बड़ी बात है कि राज्य के जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें सक्रिय नक्सली और इंटर स्टेट गिरोह से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाएंगे। तो यानी इस तरह से कह सकते हैं कि काफी लंबे समय के बाद इंटर स्टेटों की जो डीजीपी है उनके साथ यह बैठक होनी थी। आपने देखिए, लगातार जो नक्सलियों की गतिविधि है वो सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा देखा जाता है और खासकर जो अपराधी गिरोह के जो लोग होते हैं सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो ऐसे अपराधियों पर किस तरह से लगाम लगाया जाए, इन मुद्दों को लेकर 5 स्टेट की हम बात करें, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा, ये इन 5 राज्यों के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और एक नई रणनीति तैयार करेंगे अपराधियों के खिलाफ। पूजा, सूरज, देखिए, एक नई रणनीति तो तैयार की जाएगी डीजीपी की ओर से, लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है इसको लेकर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी काम किया जाए, क्योंकि अपराधियों को पता है कि अगर किसी भी आपराधिक घटना को वो अंजाम देंगे तो कुछ दिन सजा काटने के बाद वो फिर बाहर होंगे, अपनी जिंदगी आसानी से जी पाएंगे, तो इसीलिए बदमाश जो है वो बेखौफ होते जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, खासकर झारखंड की अगर बात करें तो अभी फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति झारखंड में उतनी मजबूत नहीं देखी जा रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लगाम लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से आपराधिक चरित्र के लोग हैं या फिर अपराधी या फिर नक्सल, आपने देखा कि कुछ दिन पहले बूढ़ा पहाड़ जो नक्सलियों का एक गढ़ माना जाता है उस बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कर दिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस की कार्रवाई जोर शोर से चल रही है, लेकिन इंटर स्टेट में और उनकी दबिश बने और इंटर स्टेट में जिस तरह से लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है या फिर नक्सली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्राइम करके चले जाते हैं, तो ऐसे स्टेट को, वैसे सीमावर्ती इलाकों को किस तरह से सील किया जाए, किस तरह से वैसे सीमावर्ती इलाकों में नजर रखा जाए ताकि इन अपराधियों पर, नक्सलियों पर लगाम लग सके। लेकिन आज कह सकते हैं कि आज की महत्वपूर्ण बैठक में ऐसे कई विषयों पर 5 स्टेट की जो डीजीपी है वो चर्चा करेंगे। हालांकि अब ये देखना कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है और ऐसे सीमावर्ती इलाकों में जो झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ हो या झारखंड से सटे बंगाल हो, उड़ीसा हो
या बिहार हो, ऐसे चार राज्य जो है जो झारखंड से सटे राज्य है, वैसे जिलों में वैसे बॉर्डरों में किस तरह से पुलिस की दबिश हो और नक्सलियों पे किस तरह से लगाम लग सके, इन मुद्दों को लेकर आज विशेष चर्चाएं की जाएगी। हालांकि देखिए ये निर्धारित नहीं की गई कि कितने बजे का टाइम है या फिर वक्त है, लेकिन ये कह सकते हैं कि रांची के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के डीजीपी करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज।